नमस्कार दोस्तों, हम सब फिर एक साथ हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये प्रॉब्लम मैं कोविड के दौरान भी देख रहा था और ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, जिसके पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए, वह डिप्रेशन एन्जाइटी। तो डिप्रेशन और एन्जाइटी सबसे पहले हम जानेंगे होते क्या है, क्यों होता है, इसमें इसके सिम्टम्स कैसे आते हैं, बेसिक सिम्टम्स क्या हैं, डिप्रेशन है क्या, हमारे माइंड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसमें आएंगे सिम्टम्स, इसके कॉजेस क्या हैं, फिर मैं आपको लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको डिप्रेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिले। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। 4 से 5 मिनट की वीडियो रहेगी तो आपको जल्दी जल्दी बस ये वीडियो को देख लीजिए, आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर। तो सबसे पहली बात, डिप्रेशन। डिप्रेस यानी कि सप्रेस, दबाना, कुछ इंसान डिप्रेस हो गया, CNS हमारा डिप्रेस हो गया, हमारा CNS जितनी एफिशिएंसी से सोचता था उतनी एफिशिएंसी से सोच नहीं रहा। एन्जाइटी मतलब हाइपर, मतलब हाइपो, और दोनों का ही रिलेशन आपस में। हमारे ब्रेन में एक रिसेप्टर्स होते हैं आपके, जहाँ पे गाबा काम करता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, GABA गाबा। ये गाबा अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है और फिर हमारे जितने भी थॉट्स, फालतू के थॉट्स आ रहे हैं जो हाइपरनेस है, वो एकदम शांत होता है। इसे नींद आने के लिए गाबा रिसेप्टर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। गाबा जाके बाइंड करेगा तो नींद तो ही नींद आएगी, अदरवाइज दिमाग ऑन रहता है। तो जिन लोगों को इंसोमनिया रहता है, इंसोमनिया भी एक तरह की एंजाइटी है, तो मेरी मेडिसिन जो मैं बताऊंगा वो इन सब पे काम करेगी। अब डिप्रेशन आता है क्यों? डिप्रेशन आता है जब आपको ज़िंदगी में कोई दुख हो, कोई दुख। अब वो दुख कैसा हो सकता है? दुख कोई भी हो सकता है, इसको एक्सपायर हो जाए, कोई चला गया हमें छोड़ के, आपका लव ब्रेकअप हो गया, उसमें इंसान छोड़ के जा रहा है ना, तो डिप्रेशन। और एक आपके जो भी एग्ज़ाम में फेलियर्स आते हैं, अब लाइफ में फेल हो गए, जॉब से निकाल दिया, बॉस से नहीं बन रही, तो ये सब डिप्रेशन डाल, तो एक्स्ट्रा प्रेशर आप पे लगेगा तो आपने डिप्रेस कर देगा, आपका दिमाग आपको कहेगा चुप हो जा, शांत हो जा, डिप्रेस में वो डिप्रेशन में चला जाएगा। एंजाइटी उल्टा है, अपोजिट है, उसमें आप हाइपरनेस में जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपरनेस रहती है, इंसान आगे की सोचता, फ्यूचर की सोचने लग जाता है ना, कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, इसको ये, इसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया, सबको कोविड हो रहा है, सब लोग मर रहे हैं, तो घबरा रहा है। एंजाइटी, फियर, फियर ऑफ डेथ, मरने का डर, ये भी एंजाइटी क्रिएट करता है। फियर ऑफ लॉस ऑफ मनी, फियर ऑफ यू नो पॉवर्टी, गरीबी का डर कि भाई काम छूट जाएगा, मैं गरीब हो जाऊँगा, ये भी एंजाइटी है। एंजाइटी के बहुत सारे कारण हैं, तो इन सब से आपको इस तरह की बीमारी होती है। कॉज, हम कॉज की बात करो, बहुत सारे कॉजेज हैं आपके। कोविड में डर था, जब आपने, हम अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देख रहे थे, तो वो डर था, यू नो फियर, तो फियर से भी आपको एंजाइटी और ये डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर का इम्बेलेंस हो जाता है, ज़्यादा नहीं निकलते, कम निकलते हैं, या फिर ज़्यादा निकलते हैं। तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बेस्ट मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन जो मैं बताऊंगा वो है आपकी रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी के नाम से आती है ये मेडिसिन, उसकी 2 बूंदे आपको दिन एक बार ही लेनी है, ज़्यादा टाइम उसको रिपीट नहीं करना, सिंगल डोज लेंगे आप, एक बार ही लेंगे और आपको आराम आ जाएगा। सेकेंड मेडिसिन इसमें आती है एकोनाइट। एकोनाइट आपकी अचानक जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, अचानक हमें कोई घबराहट हो रही है, अचानक चिमले की चीज़ें बढ़ गई हैं, तो अचानक में आपको एकोनाइट नेपलस लेनी है। तीसरी इसमें मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा यू नो सेपरेशन, लव फेलियर, इन सब बहुत अच्छा काम करती है। आपको दुख बहुत होता है, दुखी, क्योंकि इग्नेशिया का पेशेंट दुखी रहता है, दुखी हर टाइम, उसको देखो दुखी रहेगा, रोएगा, बार बार रोएगा, आपसे बात करते करते रोएगा, उसकी आंखों में आंसू, बस बात करेगा तो आंखों से आंसू जो है बहने लग जाएंगे। डिप्रेशन में भी ऐसा ही देखा गया है ज़्यादातर, तो इग्निशिया हमारा बहुत अच्छी मेडिसिन है इस चीज़ के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं अभी आपके लिए लेके आऊँगा,
और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगी मेरी, कुछ ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं रहेंगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। आपको 4 से 5 मिनट की वीडियो में पूरा पूरा उसके अंदर मेडिसिन भी रहेगी, सिम्टम भी रहेंगे, कॉजेज भी रहेंगे। और अगर मैं एलोपैथी मेडिसिन की बात करूँ तो डिप्रेशन में आप नेचुरली भी दूर कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेडिटेशन करें आप, ध्यान लगाएं, अपने आप को बिजी कर दें, पूजा पाठ में लगा दें, स्पिरिचुअलिटी लेके आएँ थोड़ी सी। आपको जो है पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप जब मंदिर जाएँ, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाएँ, लेकिन जाएँ, उससे आपका दिमाग भटेगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप जल्दी से हील होंगे। मेडिटेशन करें। और एक इसमें डाइट होती है आपकी, आपको पाइनएप्पल ज़्यादा खाना है, आपको पाइनएप्पल ज़्यादा मात्रा में खाना है, क्योंकि उसमें आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। और वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन प्रोक्सिटिन आती है, प्रोक्सिटिन SSRI होती है, आपका सेरेटिन ब्लॉकर, SSRI सेलेक्टिव सेरेटिन ब्लॉकर। तो ये मेडिसिन, लेकिन एलोपैथी मेडिसिन है, लेकिन इसकी तरफ ना जाएं, आप अपने आप को खुद से ठीक करें और होम्योपैथी से ठीक करें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ लेके आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।